नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ये DVR की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं जो कि हिक्वा विजन का है, टर्बो HD DVR है। दोस्तों इसकी अगर सीरीज की बात करी जाए तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने DS7800 सीरीज। तो आज हम इस DVR की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही इस DVR के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर पर CCTV कैमराज लगाना चाहते हैं तो उनमें DVR की जरूरत पड़ती है, तो उसी सीरीज के अंदर मैं आपके लिए इस DVR के अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। और दोस्तों अगर आप भी अपने घर में कहीं CCTV कैमराज लगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में ये DVR आपके काफी ज्यादा काम का है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि काफी लोगों की हेल्प हो सके। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम इस DVR की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो अनबॉक्सिंग सिंपली इस स्टाफ से हम कर लेते हैं ताकि ज्यादा आपको दिक्कत ना आए। अनबॉक्सिंग करने के पर हमें यहाँ कुछ कंपोनेंट, कुछ प्रोडक्ट इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो इनके अंदर हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है कि ये जो मेन कंपोनेंट है वह है ये DVR। तो दोस्तों ये कुछ DVR आपको इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये 4-चैनल DVR है। यहाँ पर 4-चैनल का सपोर्ट आपको इस DVR के अंदर देखने को मिलता है। और दोस्तों इस DVR को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें हार्ड डिस्क लगाई दी जाती है और यहाँ पर एक माउस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो एक केबल्स आपको देखने को मिलती है जिसमें पावर केबल एंड साटा केबल्स रहेगी और साथ इसके जो नट बोल्ट आते हैं वो देखने को मिलते हैं कसने के लिए स्क्रू। तो दोस्तों ये कुछ इस हिसाब से, तो काफी शानदार DVR है। अगर आप अपने लिए इक्वा विजन का 4-चैनल DVR लेना चाहते हैं तो काफी शानदार DVR है और ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, तो कुछ इस हिसाब से DVR रहता है। तो दोस्तों ये बॉक्स है DVR का, देखिए। तो इस बॉक्स के अंदर आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसकी जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग के साथ इसमें कुछ इस हिसाब से हमें यहाँ पर कंपोनेंट दिखते हैं। ये DVR है, ये माउस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये दो पावर केबल, साटा केबल और साथ ही जो नट स्क्रू होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस हिसाब से DVR हमारे सामने यहाँ नज़र आता है। अगर आप इस DVR की फुल अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको जो भी कंपोनेंट मिलेगा वह सभी यहां पर नजर आ रहा होगा, आपको यहां पर देख सकते हैं आप इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों ये हिक्वा विजन, देखिए यहाँ पर ये हिक्वा विजन का DVR है। इस DVR को आप कुछ इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैक एरियाज है और अंदर की तरफ यहाँ पर इसमें आपको एक वो हार्ड डिस्क यहाँ पर कनेक्ट करनी होगी। ये 4-चैनल DVR है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 4-चैनल का सपोर्ट्स आपको इस DVR में यहाँ पर नजर आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं DVR को, 4-चैनल का सपोर्ट है। यहाँ पर आप HDMI केबल लगाएंगे, यहाँ VGA केबल का सपोर्ट है, यहाँ दो ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही देखिए ये ऑडियो इनका है, ये ऑडियो आउट का है। यहाँ ड्यूअल USB के साथ एक लैन केबल का सपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पावर केबल का सपोर्ट्स आपको देखने को मिलता है। इस DVR में यहाँ पर अगर पावर ऑन है तो ये पावर ऑन यहाँ वाला बल्ब जलेगा और इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं, ये लैन केबल के लिए है, ये माउस के लिए है। अगर आप माउस कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार DVR है। अगर आप अपने लिए DVR लेना चाहते हैं 4-चैनल DVR तो ये DVR आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये DVR बाय करना तो काफ़ी शानदार DVR है, आप बाय कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको ये DVR पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो अगर आप DVR के ऊपर वीडियोस नहीं देखी है या जानना चाहते हैं कि किस प्रकार CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है तो मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आप जानना चाहें कि किस प्रकार इसका यूज
यूज किया जाता है, किस प्रकार इसकी वायरिंग की जाती है, सब कुछ अगर आप जानना चाहें तो। वैसे आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको ये DVR की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस DVR के अंदर आपको HDMI केबल का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, दो USB केबल्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, एक VGA केबल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, और साथ ही इस DVR को आप अपने मोबाइल से कहीं भी कनेक्टेड कर सकते हैं। इसमें ऐसा यहाँ पर आपको देखिए इस जगह पर यहाँ शो हो रहा होगा इधर, तो वेब एक्सेस आपको देखने को मिलता है, मोबाइल एक्सेस आपको देखने को मिलता है, यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे यूएसबी का दो सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक लैन केबल का सपोर्ट देखने को मिलता है ताकि आप इसे ऑनलाइन नेट के जरिए यूज में ले सके। तो अगर आप एक DVR लेना चाहते हैं, अगर आपने यूज में लेना चाह रहे हैं, अगर आप DVR को तो काफी शानदार है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस DVR की अनबॉक्सिंग अगर आपको पसंद आई हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।